पाकिस्तान में कोच जो मतलब ट्रेनर थे हमारे, वो एसी में सोते थे, एसी वाले कमरे में। सही है, बॉक्सर मैं गाली दूं क्या, बॉक्सर जो है वो पंखे के नीचे, और तो दो दो घंटे बिजली नहीं। मुझे जब बंदा मिला कोरियन, उसने मुझे कहा कि यार आप प्रोफेशनल करना चाहते हो तो मैं प्रमोटर हूँ, मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उन्होंने कहा कि यार मैं आपके प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ, आपके जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उन्होंने फिर मेरी तरफ रुख किया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है अभी आप उन्होंने तो आपके साथ किया, अभी आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें। मैंने कहा आपके साथ मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आपको जो भी पैसा मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा, मतलब फाइट मनी मिलेगा या मंथली आपको ये देंगे जो भी, आपने ना उसमें से 20% हमें देना है। और मेरे साथ कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन मतलब मेरे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको बोलूँ नहीं, मैंने करना ही करना था, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो जिस तरह बाकी लड़के यहाँ पे ज़ाया हो गए, मैं भी ज़ाया हो जाता ना। नेशनल चैम्पियनशिप थी, नेशनल गेम्स 2007, कंकरी ग्राउंड, फाइनल मैं जीता, हरवाया मुझे, मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी वहीं से। हम घर से निकलते, ठीक है, घर में हमें सुना मतलब फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब वहाँ से डंडा था, वहाँ जाते थे फेडरेशन का कोई सपोर्ट, एसोसिएशन का कोई सपोर्ट नहीं था, वहाँ से डंडा था। फेडरेशन में आते वहाँ पे, यहाँ पे हम मतलब क्या कहते हैं, ना लाइट, ना खाना, ना बिजली, और मच्छरों के साथ लड़ना, सुबह रिंग में लड़ना, हमारी तो ज़िंदगी थी स्ट्रगल बॉक्सिंग में। मैं बेसिकली कोटा सिटी और बलूची स्ट्रीट हमारे इलाके का नाम है, जहाँ हम रहते हैं, हमारा मोहल्ला बलूची स्ट्रीट है। हम 6 भाई थे और मैं दूसरे नंबर पे था। मेरे वालिद साहब एक सरकारी नॉर्मल एक सरकारी सर्वेंट थे। हमारे मोहल्ले में मतलब जिधर हम बड़े हुए वो बहुत ही रफ एरिया था, वहाँ पे लड़ाई और वहाँ पे ड्रग्स और काफ़ी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था। मोहल्ले में लड़ना, मोहल्ले में काफ़ी दूसरे मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़ना, अब स्कूल जाना, स्कूल में लड़ना। मैं क्लास 3 क्लास 2 में था, मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी फैमिली को तो पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपने लिए ग्लव्स ले या जूते ले या अपने लिए ट्रैक सूट ले। तो वहाँ पर ना ये होता था कि जिम के अंदर ग्लव्स पड़े होते थे, वो हर कोई आके यूज़ करना, ग्लव्स व्लव्स यूज़ करके तो फिर हम घर आ जाते ना। उस टाइम पता नहीं चला, जब मैंने फाइट शुरू की तब उनको पता चला कि ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। इवन एक टाइम में ये भी हुआ था कि मैं पेशावर गया था, उनको पता भी नहीं था कि मैं पेशावर में हूँ। बॉक्सिंग इवेंट के लिए हम गए थे, ऑल पाकिस्तान एक इवेंट था उसके लिए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला, फिर उन्होंने भी कहा कि चले इसको करने दो, इसका शौक है, तो फिर मना नहीं किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा मैंने बलूचिस्तान में इवेंट्स किए, उसमें मैं जीता रहा, लेकिन वहाँ पर ना कुछ पॉलिटिक्स जैसे होता है स्पोर्ट्स में कि यार ये हमारा है बच्चा है और ये इसको आगे करे और उसको पीछे करे, ये तो मतलब अभी कम है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम में ये था कि टैलेंट, मैं चैम्पियनशिप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, मैंने ट्रायल में मैं जीता, लेकिन जो है कुछ ऐसे लोग थे, मैं वो अभी भी बॉक्सिंग में है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने ना मुझे नहीं खिलाया उसमें, उन्होंने अपना लड़का जो उनको पसंद था उन्होंने उनको खिला के वो भी हार गया। मेरा ट्रेनर है अभी भी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उनका ताल्लुक लाहौर से है, मोहम्मद तारिक, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। और फिर 2005 में नेशनल चैम्पियनशिप लाहौर में हो रहा था। अगर आप नेशनल चैम्पियन बनते हो तो फिर आप यानी नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपके लिए काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। जो लड़का मैं जीता था उसको ट्रायल में,
और मुझे नहीं खिलाया था, वही लड़का ना सेमीफाइनल में मेरे सामने आया उस चैम्पियनशिप में, और मैंने उसको सही धोया है, मैंने उसको, और मैंने उसको मतलब दिल खोल के मारा उसको, उसको मैंने काउंटिंग कराई। काउंटिंग मतलब काउंटिंग लेना ना, ये बॉक्सिंग में आउट क्लास होता है, यानी आप जीत रहे हो, तो उसको मैंने हराया। और एक बहुत उनका बहुत ही बड़ा बॉक्सर था, वो भी वहाँ पे खड़ा था, उसने कहा था कि पहले उसने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा लड़का तो इसको पहले दो राउंड में फारग करना है उसने, लेकिन उस बेचारे के साथ उसको पता नहीं था कि उसके लड़के के साथ क्या होने वाला है। तो वो फाइट मैं जीता, फिर मैं नेशनल चैम्पियन बना। उस वहाँ से उसके बाद फिर मेरी जो जर्नी थी इंटरनेशनल बॉक्सिंग में, मैं 6 मंथ के लिए मैंने पहली दफ़ा मैं कजाकिस्तान गया, ट्रेनिंग कैंप किया वहाँ पे, फिर उसके बाद हम अजरबैजान गए, फिर थाईलैंड, वहाँ पे मैं किंग्स कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर प्रेसिडेंट कप मैंने खेला इंडोनेशिया में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, फिर करते कराते फिर मैं टर्की में एक चैम्पियनशिप थी वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली इंडिया वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए जीता, वहाँ से जब मैं आया वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स बीजिंग में था उसमें मैंने गोल्ड मेडल बेस्ट बॉक्सर बना पाकिस्तान के लिए, वो जीता। फिर 2012 में दोबारा मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता, बेस्ट बॉक्सर बना यहीं पाकिस्तान में। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं गया अजरबैजान, और फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेशन की, क्वार्टर फाइनल में मैं आ रहा इटली में मिलान में, और कॉमनवेल्थ गेम 2014 दोबारा मैंने स्कॉटलैंड में किया खेला, उसमें मैं सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए मैंने जीता। एशियन गेम्स कोरिया उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर उसके बाद मुझे एक प्रमोटर मिला वहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए, मुझे एक ऑफ़र आई साउथ कोरिया से, प्रमोटर था एंडी किम, उन्होंने मुझे साइन की, केबीसी का टाइटल फर्स्ट फाइट में मैं जीता, 9th राउंड में मैंने कोरियन बॉक्सर को स्टॉप किया TKO पे, और फिर उसके बाद उसमें भी एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है कि वहाँ पर फ्लॉयड मेवेदर के अंकल आए थे, जेफ मेवेदर, तो उन्होंने मेरी फाइट देखी, फिर उन्होंने मेरे प्रमोटर से पूछा कि ये लड़का कौन है, उन्होंने कहा इसको मैंने अभी साइन किया है, ये पाकिस्तान से, तो उसने कहा कि इसके कितने फाइट्स आपने करवाए प्रो में, उसने कहा कि इसका पहला फाइट है डेब्यू, कहते हैं इसका पहला फाइट डेब्यू, 10 राउंडर है और इसने 9th राउंड में इसको स्टॉप किया, कहाँ, कहता है ये तो मतलब अनबिलीवेबल फाइटर है, हर बॉक्सर का ये ख्वाहिश होता है कि वो जाके लास वेगास में अमेरिका में ट्रेनिंग करे और फ्लॉयड जैसे नाम के जिम में, और फिर उसकी फैमिली के साथ। तो फिर मैं वहाँ से जापान में था उस टाइम, मैं टोक्यो में मेरा ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ से शिफ्ट होके लास वेगास हुआ, फिर 3 साल मैं उनके साथ रहा, वहाँ पर ट्रेनिंग की उनके साथ मैंने काफ़ी फाइट्स जीते। तो फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने मैनी पाक्याओ के कार्ड में किया 2018 में, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा फिर कोरियन से ख़त्म हुआ, तो फिर मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नया मिला MTK ग्लोबल, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट बॉक्सिंग कंपनी है, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स दुनिया के साइंड है, टाइसन फ्यूरी, बिली जो सैंडर्स, जॉश टेलर, मैं और भी बहुत ज़्यादा अमेरिकन फाइटर्स उनके साथ साइन है। फिर 2018 से अभी तक मैं अभी स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग मेरी होती है और मेरा कैंप सारा वहीं पे होता है, और मैंने 4 फाइट्स उसके साथ किए और चारों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। अब रिसेंटली WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना पाकिस्तान में। यहाँ पे मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊँ कि यहाँ पे क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को बहुत ही मतलब पूछते नहीं हैं मेरे अलावा, यानी मैं तो अभी एक इस तरह जगह पे हूँ जो मुझे किसी से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, ना मुझे कोई स्पॉन्सर का यहाँ का कोई किसी से ज़रूरत है। जो मेरे बहुत टैलेंटेड फाइटर्स थे यहीं पाकिस्तान के थे, लियारी के थे, कोटा के थे, सब ज़ाया हो गए ना, मतलब उनको मेरी तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अगर मेरी तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलता
वो भी आज यहाँ पर किसी को बैठ के इंटरव्यू देते। मैं एक पाकिस्तान का एक वाइद नेशनल टीम में कैप्टन भी था और एक वाइद बॉक्सर था कि जहाँ पर भी मैं जाता वहाँ से मैं एक मेडल जीत के आता। मतलब हम यहाँ पर भी ना हर चीज़ में हमारे यहाँ पे दो नंबरी फ्रॉड और यहाँ पे जो होता है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मतलब वो ये तो है। मुझे जब बंदा मिला कोरियन, उसने मुझे कहा कि यार आप प्रोफेशनल करना चाहते हो तो मैं प्रमोटर हूँ, मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अगले दिन मैंने उनको बताया कि हाँ सही है भाई, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। उन्होंने कहा कि यार मैं आपके प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ, आपके जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उन्होंने फिर मेरी तरफ रुख किया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है अभी आप उन्होंने तो आपके साथ किया, अभी आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें। मैंने कहा आपके साथ मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आपको जो भी पैसा मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा, मतलब फाइट मनी मिलेगा या मंथली आपको ये देंगे जो भी, आपने ना उसमें से 20% हमें देना है। और मेरे साथ कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन मतलब मेरे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको बोलूँ नहीं, मैंने करना ही करना था, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो जिस तरह बाकी लड़के यहाँ पे ज़ाया हो गए मैं भी ज़ाया हो जाता ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने करके मुझसे फिंगरप्रिंट भी ले लिए यहीं कराची में, जिस दिन मैं जापान जा रहा था। नेशनल चैम्पियनशिप थी, नेशनल गेम्स 2007 कंकरी ग्राउंड फाइनल, मैं जीता, हरवाया मुझे, मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी वहीं से। लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग खेलना, यहाँ पर जो हमारी जो स्ट्रगल थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ों के साथ लड़ना पड़ता था बॉक्सिंग के, अपने हरीफ के अलावा आपको बहुत काम, मतलब आपको इस चीज़ के साथ भी लड़ना पड़ता था कि आप फैमिली से आपको कोई सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, आपको इस चीज़ से भी लड़ना पड़ता कि आपको कोई ट्रेनर्स भी लुक आफ्टर नहीं करते, आपको इस चीज़ से भी लड़ना पड़ता कि फेडरेशन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको इस चीज़ से भी लड़ना पड़ता आप एसोसिएशन नहीं, फिर आप जब फाइट के लिए तैयारी करते फिर उसमें बेईमानी भी होता। मैं इंशाल्लाह मेरी एक बहुत बड़ी फ़ाइट आने वाली है, इस फाइट के अभी इसके बाद इंशाल्लाह मुझे पता है वो मैं जीतूँगा इंशाल्लाह 1000%, उसके बाद मेरे गोल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा गोल ये है कि जो हमारे तरह और बच्चे कितने वो गली मोहल्ले में स्ट्रगल कर रहे, कितना टैलेंट है, उसको मैंने अपने मैनेजमेंट से बात की है, प्रमोशन से बात की है कि भाई आप जैसे मुझे देख रहे हो इधर परफॉर्म करने के लिए, जब मैं फ़ाइट कर रहा था इस फाइट में, तो जब मैं लड़ रहा था तो मुझे ना 10वें राउंड में मुझे मतलब मैं थक गया था, बहुत लोगों को ये लगा कि ये फ़ाइट अगले राउंड में स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो लड़का स्टॉप कर देगा फाइट, वो सिचुएशन ऐसा ही थी। मतलब मैंने 9th राउंड में जो है डोमिनेट हुआ था उस पर, लेकिन 10वें राउंड में थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया। जब मैं बैठा मेरे ट्रेनर ने मुझे मोटिवेट किया उस टाइम, दिस फाइट विल मेक यू एंड दिस फाइट विल बी ब्रेक यू, मतलब ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम फाइट है, अगर तुम ये फाइट जीतना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारी जो है अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी वाइफ है, ये सोचो, नहीं तो फिर ग्लव्स उतार दो अभी। उसके बाद जो मैंने कमबैक किया है तो आप फाइट देखेंगे। मोटिवेशन उसने मुझे बहुत टाइम पे उसने देखा, उसने टाइम पे उसने पॉइंट किया मुझे, जिससे मैं फ़ाइट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया हूँ। बॉक्सिंग मतलब कोई मजाक स्पोर्ट नहीं है, ये बहुत ही सख्त स्पोर्ट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में। हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सिर्फ एक स्पोर्ट को यानी क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं, बाकी किसी भी स्पोर्ट को स्पॉन्सरशिप नहीं है, फिर उससे स्पोर्ट्स तो ख़त्म होगा ना। और फिर यहाँ पे हमारी जो ज़हनियत है, हमारा जो मेंटल है, हम जो है अगर किसी का बच्चा कहीं स्पोर्ट्स के लिए जाता है वो कहता है नहीं आपने स्पोर्ट्स क्या करना है, आप तो पढ़ें, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये कौन से काम में आप पढ़ गए हो, तो हमें स्पोर्ट्स से भी मना करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है।